अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल विंटर रेसिपी लेकर आई हूँ, पंजीरी रेसिपी, जो बहुत ही ईजी बनेगी। ठीक है, ये आपके पट्ठों का दर्द, आपके अगर शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, पेट में, कमर में, तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें हम शुगर यानी शक्कर, देसी घी, तमाम हेल्दी चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही हेल्दी फुल एक पंजीरी बनकर तैयार होगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ बादाम, पिस्ते, कैश्यू नट, वॉलनट और कोको पाउडर, यानी के खोपरे का पाउडर। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड कर रही हूँ। इनको थोड़ी देर मिक्स करते रहेंगे, यानी इनको रोस्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि ये रोस्ट हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे। ठीक है, और फिर जब 5 से 6 मिनट हो जाए, इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया, तो इसको आप वापस निकाल लें। अगर आप चाहें तो कोकोनट पाउडर को अलग-अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने साथ किया है। अब हम दोबारा से सेम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। देसी घी मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश को मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि ये मिट्टी में होती है, तो लिहाजा इसको आप अच्छे से धो लिया करें। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, और फिर वापस से निकालेंगे। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद, इसको भी कंटिन्यूसली स्प्रेड करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और कलर चेंज होने पर जब ये फूल जाएं तब हम इसको वापस निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये फूल चुके हैं, अब इसको दोबारा निकाल लेंगे। अगर आपके घी कम लगे तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घी, देसी घी, और इसमें ऐड करेंगे फॉक्स नट। इनको भी पकाएंगे, हिलाते रहेंगे जब तक कि इनके ऊपर कलर ना आ जाए। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करना है, और फिर वापस निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1/2 किलो सूजी, और इसमें डाल देंगे ग्रीन कार्डिमम यानी कि इलायची, जिनको मैंने तोड़ लिया है। 5 से 6 इलायचियाँ ली हैं, उनको मैंने तोड़ के इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी मैं यहाँ पे 4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे, रोस्ट करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है सूजी। सूजी में ऐड करेंगे रोस्टेड किशमिश, जो हमने भुनी थी किशमिश वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे तमाम ड्राई फ्रूट्स एक प्लेट में मैंने निकाली हैं, इनको एक एक करके तमाम ड्राई फ्रूट्स को क्रश करेंगे, यानी कि कूट लेंगे। आप चाहें तो फिर इसको ग्राइंडर में भी एक साथ क्रश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डबरी मौली में कर रही हूँ। ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रहने देंगे, ताकि जब इसको खाएं तो फिर मुंह में भी आए और मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तमाम उनको क्रश कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट पाउडर। अब अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शक्कर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम हेल्दी पंजीरी बना रही हैं, तो उसके लिए शक्कर ही ठीक रहेगी। फिर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ बचा लिए थे, वो हम ऊपर से ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं हाफ में। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी ये पंजीरी, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तैयार है हमारी मज़ेदार सी हेल्दी डिश पंजीरी, जो बहुत ही टेस्टी बनी है और आपको बहुत ही फ़ायदा देगी ये। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको एक कंटेनर में ऐड करके रखें, पूरी सर्दियां इस हेल्दी डिश को इस्तेमाल करें, आपके तमाम दर्द को ये ख़त्म कर देगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।